साथियों एक बार फिर स्वागत आपके अपने चैनल पर। जी हाँ साथियों, विधानसभा चुनाव से जुड़ी अभी की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हाँ साथियों, हम आपको बता दें विधानसभा चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को घोषित होने वाला है। जी हाँ साथियों, बनी न्यूज के साथ हम आपको बता देंगे एमपी में खिलेगा कमल या पंजा छोड़ेगा अपनी छाप। जी हाँ साथियों, 3 दिसंबर को किसके सिर पर सजेगा ताज और कौन की होगी मध्यप्रदेश सरकार। जी हाँ साथियों, इन सभी खबरों के साथ बने रहिए न्यूज के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, तक मेरे द्वारा डाली हुई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हाँ साथियों, बने रहिए न्यूज के साथ। हम आपको बता दें मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के सभी पार्टियों को 3 दिसंबर आने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार सता रहा है। वहीं आपको बता दें चुनाव आयोग ने बताया कि सबसे पहले 8 बजे से डाक मतपत्रों की गणना की जाने वाली है। वहीं आपको बता दें आधे घंटे बाद 8:30 बजे ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू होने वाली है। जी हाँ साथियों, वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार परिणाम वेबसाइट के मुकाम मोबाइल पर आप देख सकते हैं कि आखिरकार मतगणना कहां तक पहुंच चुकी हो, मध्यप्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। जी हाँ, बता दें भाजपा ने मध्यप्रदेश में मतगणना वाले दिन के लिए खास तैयारियां कर ली हैं। पार्टी ने रिजल्ट 3 दिसंबर आने वाले दिन प्रदेश कार्यकाल में कंट्रोल रूम बना रही है। यहां पार्टी के दिग्गज नेता कमान संभालने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद सहित अन्य नेता शामिल होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आपके हिसाब से मध्यप्रदेश किसकी सरकार आने वाली है, कमेंट बॉक्स में लिखकर नाम मत भूलिएगा। जैन साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जैन जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।